हाँ जी सर, आज मनासगढ़ मोहल्ला बहुफोड़ का और इसमें महाशाह मोहल्ला, मस्जिद वाला मोहल्ला, शाहबाद और हमारे फोटोग्राफर जो बहुफोड़ में सिर्फ फोटो करके अपना गुजारा यहाँ पर करते थे, उनको राहत सामग्री पहुँचाने के लिए राशन ताकि उनके डोर स्टेप पर यहाँ पर पहुँचे, उसी की कड़ी में यहाँ पर भी राशन यहाँ पर बांटा जा रहा है, साथ ही घर घर जाके डोर वाइज उनको डोर स्टेप पर मदद यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन जिस ढंग से ये लॉकडाउन के 21-22 दिन होने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, हमारे कितने दिहाड़ीदार हों, लेबर क्लास के लोग हों, डेली वेजर्स हों, रेडी वाले हों, उनकी परेशानियों को समझते हुए मैं समझता हूँ आज भी जिस ढंग से UNO ने कहा है कि जिस ढंग से ये बीमारी कोरोना वायरस की बीमारी फैले, जब तक इसका इलाज ना हो, कोई दवाई ना निकले, तो यही प्रिवेंटिव मेजर लेना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन सरकार से भी हम आग्रह करेंगे हालात को देखते हुए कि हमारे दिहाड़ीदार हों, मजदूर हों, जो सिर्फ रोज मेहनत करते थे, अपना गुजारा करते थे, उनके लिए कोई आर्थिक स्थिति किस ढंग से उनको फाइनेंशियली मदद मिल पाए, पब्लिक डोमेन में वो यहाँ पे रखे ताकि उनमें पैनिक ना फैल पाए। और यही अगर वो सिर्फ इसी नारों पे कि वो घरों के अंदर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन खाने की पीने की सामग्री, खाने का बंदोबस्त उनके पास नहीं होगा, तो हमें दिक्कत का सामना यहाँ पे आपको करना पड़ता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके लिए ठोस कदम यहाँ पे उठाए और होम डिलीवरी का सिस्टम जो यहाँ पे वचनबद्ध है उसको तेज़ी कर पाए ताकि घरों में बैठ के राशन सामग्री उनको पहुँचे, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस उन पर और ज़्यादा ना बढ़ पाए। इमीडिएटली क्या वहाँ पर नीति यहाँ पर सरकार बना पाएगी ताकि उन लोगों को घरों में बैठ के पैसे का बंदोबस्त भी, आर्थिक मदद भी मिल पाए और ठोस पैकेज की यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ज़रूरत है। हमारे जो साथी पूंछ के हैं, रजौरी के हैं, जो इस रियासत के रहने वाले स्टेट के लोग जो बाहर हिमाचल, पंजाब, पठानकोट में, उनको लाने का फौरी तौर पे बंदोबस्त करें ताकि वो अपने कारोबार, मेहनत करने के लिए हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। और गरीब आवाम जो अर्बन पुअर पॉपुलेशन जिनका पास डाटा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सबके पास है, आर्थिक मदद करने के लिए ठोस नीति बना के पब्लिक डोमेन में रखें।